गुड मॉर्निंग विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए मुख्यतः पिछले वीडियो में आपने भारत की स्थिति, आकार और विस्तार के बारे में अध्ययन किया। मुख्यतः भारत की स्थिति, आकार, विस्तार, ये पहला लेसन था। देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन से बिंदु बोर्ड के द्वारा उठाए गए हैं। देखिए फर्स्ट बुक आपकी पहले जो बोर्ड ने उठाया वो देखते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः आपके 6 इकाइयां हैं। एक तो भूगोले के विषय के रूप में, दूसरी इकाई आपकी पृथ्वी, तीसरी इकाई है भू आकृतियां, चौथी इकाई है जलवायु, पांचवी इकाई है जल महासागर, छठवीं इकाई है हमारी पृथ्वी पर जीवन। देखिए मुख्यतः ये भौतिक भूगोल आपके 35 अंक की है। ये जो इकाइयां हैं ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 8 नंबर की है, ये 8 नंबर की, ये 4 नंबर की और ये 3 नंबर की। न्यू पैटर्न बता रहा हूं जो वर्तमान में है, बोर्ड ने जो उठा दिया उसके बाद। तो 3 और 4 7 8 7 15 15 8 8 23 4 27 33 और मानचित्र 5 नंबर का। इस प्रकार 35 नंबर के तो आपकी ये भौतिक भूगोल है। दूसरी बुक है आपके भारत, जिसमें जो इकाइयां हैं, पहली इकाई है विषय प्रवेश, दूसरी है भू आकृति विज्ञान, तीसरी है जलवायु, प्राकृतिक संकट, आपदाएं, एक क्रम से नहीं है ये अपवा। इसमें देखो ये भू आकृति, जलवायु और प्राकृतिक संकट, ये तीनों इकाइयां बोर्ड के द्वारा उठा दी गई है। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया वर्तमान के अंतर्गत। अपन जो पढ़ेंगे वो सिलेबस, ये टॉपिक आपको नहीं देखने, ये बुक आपकी कंप्लीट है। इसके कंप्लीट वीडियो आपको भेज दिए गए थे। भारत के भूगोल में पहली जो विषय प्रवेश, भारत की स्थिति, आकार, विस्तार के बारे में जो था बता दिया गया। ये 3 बिंदु आप फिर से सुन ले, भू आकृति, जलवायु और प्राकृतिक संकट, ये तीनों बिंदु अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे किसकी, अपवा तंत्र के बारे में अपन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अपवा तंत्र के बारे में। भारतीय अपवा तंत्र,
देखिए, मुख्यतः भारतीय जो अपवाद तंत्र है इसे जल विसर्जन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी भारतीय जो अपवाद तंत्र है, इस भारतीय अपवाद तंत्र को जल विसर्जन के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। एक तो अरब सागर का अपवाद तंत्र और एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। ध्यान दीजिए, ये जो भारतीय अपवाद तंत्र है, अपने भारत का जो अपवाद तंत्र है, इस भारत के अपवाद तंत्र को जल विसर्जन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? अरब सागर का अपवाद तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। देखिए, मुख्यतः ये दोनों अपवाद तंत्र, चाहे वो अरब सागर का अपवाद तंत्र हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र हो, ये दोनों ही अपवाद तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री, यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं इन पहाड़ियों के द्वारा विलग हुए हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र भी, अरब सागर का अपवाद तंत्र भी, ये दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री इन्हीं से अलग हुआ है। देखिए, कहते हैं भारत का जो कुल अपवाद क्षेत्र है, भारत के कुल अपवाद क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत? 77%। लगभग 10,840 के आसपास भारत में नदियां हैं जिनकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से अधिक है। तो भारत का जो कुल अपवाद तंत्र है, इस कुल अपवाद तंत्र का लगभग 77% जो भाग है वो नदियों के द्वारा प्रवाहित होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अपन इस अपवाद तंत्र को विभाजित करें तो 77% जो अपवाद तंत्र है वो अपना जल किसमें गिराता है? बंगाल की खाड़ी में। और 23% जो भाग है वो जल अरब सागर में। यानी भारत के कुल अपवाद क्षेत्र का 77% जल किसमें गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। और 23% जो नदियां हैं वो जल अपना गिराती है कहां पर? अरब सागर। फिर से देखो कि भारतीय जो अपवाद तंत्र है, इस भारतीय अपवाद तंत्र को जल विसर्जन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन कौन से? एक भाग अरब सागर का अपवाद तंत्र आता है, दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र आता है। अरब सागर का जो अपवाद तंत्र है उसमें भारत में जो विद्यमान नदियां हैं वो 23% नदियां अपना जल गिराती हैं और बंगाल की खाड़ी में लगभग 77% नदियां अपना जल गिराती हैं। अब देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अपन बात करें तो सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, परियार, ये जो नदियां हैं ये नदियां 23% हैं जो जल अरब सागर में गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपन यदि बात करते हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। आ रहा है समझ में? अब भारतीय जो अपवाद द्रोणी है, भारतीय अपवाद द्रोणी, इस भारतीय अपवाद द्रोणी के भी कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कौन कौन से? प्रमुख नदी द्रोणी,
मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी, प्रमुख नदी द्रोणी मध्यम नदी द्रोणी लघु नदी द्रोणी कितने भाग हो गए? तीन। यानी जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, आकार से अभिप्राय जल प्रवाह कितना है उसके आधार पर अपन देखें तो भारतीय अपवाह द्रोणी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी कौन सी है? देखो, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। मध्यम, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 से अधिक और 20,000 से कम हो, और लघु, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 से कम हो। तीनों द्रोणियों की परिभाषा पता है कि अपने भारतीय जो अपवाह द्रोणी है, इस भारतीय अपवाह द्रोणी को कितने भागों में विभाजित किया है? तीन भागों। तीन भाग कौन कौन से? प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी वह नदी द्रोणी, वह अपवाह प्रमुख क्षेत्र जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। मध्यम नदी द्रोणी वह अपवाह क्षेत्र जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 से अधिक और 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, और लघु नदी द्रोणी जिसका प्रवाह क्षेत्र 2,000 से कम। आ रहा है समझ में? अब उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषता के आधार पर भारत का जो अपवाह तंत्र है, यह भारत का अपवाह तंत्र दो भागों में विभाजित है। किस आधार पर? उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषता के आधार पर। देखो, दो प्रकार कौन कौन से? एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा आता है कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, उद्गम, विशेषता, प्रकृति, इस आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से? एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखो, हिमालयी जो अपवाह तंत्र है, यह हिमालयी अपवाह तंत्र क्या है? देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र बिल्कुल सिंपल सी बात है। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, कैसी हैं? बारहमासी। प्रवाह की दृष्टि से बारहमासी जो नदियां हैं वो हिमालयी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मुख्यतः हिमालयी जो अपवाह क्षेत्र है, इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां अपने मार्ग में, अपने रास्ते में विशाल प्रकार के गर्तों का निर्माण करती हैं, विभिन्न प्रकार के गड्ढों का निर्माण करती हैं, वे आकार की गाठी का निर्माण करती हैं। यह मुख्य है। इसके अतिरिक्त जलप्रपात बनाती हैं, क्षिप्रिकाएं बनाती हैं। यानी हिमालयी अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त हिमालयी अपवाह क्षेत्र में जो नदियां उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, वो नदियां समतल घाटी, गोकुल झील, बाढ़,
आदि बाल निर्मित मैदान, वाई का डेल्टा अनेक आकृतियां बनाती हैं। मुख्यतः हिमालयी अपवा तंत्र के अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये महत्वपूर्ण है। हिमालयी प्रवाह तंत्र में कौन कौन से प्रवाह तंत्र आते हैं? सिंधु नदी, गंगा अपवा तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र। कितने तंत्र हो गए? तीन। देखिए कि उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषता के आधार पर भारत के अपवा तंत्र के कितने भाग? दो, हिमालय अपवा और प्रायद्वीपीय अपवा। हिमालय अपवा किसे कहेंगे? जिसमें बारहमासी नदियां प्रवाह की दृष्टि से होती हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, सॉरी तीन प्रकार का, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए विश्व के सबसे विशालतम नदी द्रोणियों की यदि बात करें तो सिंधु द्रोणी तंत्र या सिंधु नदी द्रोणी एक विशाल तंत्र है। आपको ध्यान में होगा लगभग 321,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत सिंधु नदी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कहां से निकलती है सिंधु नदी? ये तिब्बतीय क्षेत्र में कैलाश पर्वत में जो बोखरचू के निकट एक हिमनद है वहां से निकलती है और मुख्यतः इसे शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितना विशाल तंत्र हो गया, 321,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत विस्तार। गंगा नदी तंत्र की अपन बात करें तो आपको ध्यान में गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के नाम से उत्तराखंड जो राज्य है उसके उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री जो हिमनद है लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई से होता है। मुख्यतः देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा में मिलती है और जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है तब उसे गंगा के नाम से जाना जाता है और लगभग 8.5 लाख अपने भारत में है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपने भारत के अंतर्गत है इस गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो कि भारत में सबसे विशाल है। अनेक इसकी सहायक नदियां यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, रामगंगा, दामोदर, शारदा, सोन, महागंगा, महानंदा, अनेक ऐसी नदियां हैं। एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसका उद्गम जो कैलाश पर्वत श्रेणी है मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंगडंग जो नामक हिमनद है वहां से हुआ है। मध्य हिमालय में इसे नामचा बरवा नामक स्थान पर एक विशाल गहरे गर्त का निर्माण करती है। असम घाटी में 750 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के बाद यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बांग्लादेश के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। कुल मिलाकर ये तीन जो नदी तंत्र हैं ये विशालतम है। इन तीन नदी तंत्रों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक विशालतम नदी तंत्र के रूप में है। ये अपने भारत का अपवाह तंत्र एक विशालतम अपवाह तंत्र है। दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो एक सुनिश्चित मार्ग के अंतर्गत प्रवाहित मिलती हैं। यानी पश्चिमी घाट केवल एक जल विभाजक का कार्य इसके अंतर्गत करता है। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में एक बड़े भाग का अपवा बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हुआ है
तो ये सारी बातें मुख्यतः हमें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बताती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से देख एक बार अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 11th क्लास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक बोर्ड के द्वारा उठाए गए हैं वो बता दिए, कितने कितने नंबर के हैं वो भी मैंने बता दिए। आज हमने देखा भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, मैंने बताया भारतीय अपवाह तंत्र जल विसर्जन के आधार पर दो प्रकार का है, एक अरब सागर का अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। भारत के कुल अपवाहित होने वाले जो नदियां हैं वो अपना 23% जल अरब सागर में गिराती हैं और 77% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये दोनों ही अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से निकलते हैं। इसके बाद मैंने बताया भारतीय अपवाह द्रोणी जो तीन प्रकार की होती है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी के बारे में बताया भाई 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले, मध्यम नदी द्रोणी 2,000 से लेकर के 20,000, लघु नदी द्रोणी 2,000 से कम क्षेत्रफल। ये तीन नदी द्रोणियों का अध्ययन। उसके बाद में उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषता के आधार पर भारतीय जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार का, एक हिमालयी अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में बता रहे हैं 12 मासी जो नदियां हैं जिनमें वर्ष भर जल बहता है वो इसके अंतर्गत है, और प्रायद्वीपीय और अपवाह तंत्र में वे नदियां जिनका मार्ग सुनिश्चित होता है। हिमालयी अपवाह तंत्र तीन प्रकार का बताया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र एक विश्व के विशालतम नदी द्रोणियों में से एक है, लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर विद्यमान है इसका। मुख्यतः तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत जो पर्वत है उसमें गोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। गंगा नदी जो कि लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका उद्गम भागीरथी नदी के नाम से उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जो जिला है उसमें गंगोत्री हिमनद जो कि 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है, और देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तब वह गंगा बनती है। ये बातें आपको इसमें बताई गई। गंगा नदी की सहायक नदियों के रूप में यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, रामगंगा, दामोदर, शारदा, महानंदा, सोन, यानी गंगा नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट मुख्यतः जो चेमांग जो क्षेत्र आपको बताया गया वहां से इसका उद्गम क्षेत्र है। तो ये प्रमुख बातें आपको बताएंगे। आज का बिंदु इतना ही। होमवर्क के लिए फर्स्ट बुक के टॉपिक्स आपने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे, पहली बुक के भौतिक भूगोल के जो भी 15-16 लेसन जितने टॉपिक अपने हो गए, इसमें दूसरी बुक में भारत वाली में पहला लेसन भारतीय स्थिति विस्तार के बारे में आपको बता दिया गया, फिर भू आकृति जलवायु ये लेसन जो उठा दिए गए, उसके बाद अपवाह बिंदु मैंने चालू किया। तो आपको अपवाह वाला जो लेसन है आपके शायद वो पांचवा लेसन होगा आपके, चौथा या पांचवा लेसन तीसरी इकाई में, तो उसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं, ये आप इसे ध्यान रखें। कल अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह जो नदी तंत्र है, इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं, पश्चिम की ओर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, इन सब का अध्ययन अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।